आपका आज का क्लास नंबर 8 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मेजर इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि किसमें हो रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है, यानी कि यहां पर देखने वाले हैं कि एक पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, ये लैंगिक जनन कितने घटनाओं में होता है, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को कितने स्टेज में बांटा जा सकता है, कितने चरण में बांटा जा सकता है, है ना। तो पुष्पीय पादपों में होने वाली लैंगिक घटनाओं को हम तीन स्टेज में बांट सकते हैं, है ना। कल करवाया भी गया था, एक तो था प्री फर्टिलाइजेशन था, है ना, एक आपका क्या है प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पूर्व की घटना, प्री फर्टिलाइजेशन निषेचन के पूर्व की घटना। इसमें हम लोग देखने वाले स्ट्रक्चर और इवेंट्स को, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को, क्लियर है। ये तो पहला है ना, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन के पूर्व की, या निषेचन पूर्व है ना संरचना और घटनाएं, निषेचन पूर्व संरचना और घटनाएं। दूसरा आपने क्या देखा था, हाँ डबल फर्टिलाइजेशन, दुई निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। और इसके बाद में जो तीसरा होता है आपका वो क्या होता है, हाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं, है ना। जो तीसरा है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इसमें हम लोग यही चीज है, स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में होने वाली लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया, है ना। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है तो पुष्पीय पौधों में होने वाले लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को तीन स्टेज में बांटा जा सकता है, तीन चरणों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पूर्व की संरचना और घटनाएं, और दूसरा आपका डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन, और तीसरा जो होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद की, निषेचन पश्च घटनाएं हुआ संरचनाएं, है ना। तो ये तीन तरह की चीजें होती है, क्लियर है। चलो तो ये तीन तो हो गया था, अब इसके बाद अगर बात करें ये होता क्या है भाई, निषेचन के पूर्व की घटनाएं क्या है, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब स्वाभाविक है फर्टिलाइजेशन के पहले की, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ आप, पौधों में क्या होता है जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया होने से पहले तमाम प्रकार के पादप हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं, तमाम प्रकार के क्या बनना शुरू होते हैं, पादप हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे इंसानों से समझ लो, जब इंसानों में फर्टिलाइजेशन वाली क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पहले तो सेक्स होता है ना, यानी कि मिलन होता है, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भाई ऐसे तो अपने आप निकल ही जाते हैं, मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, ये कुछ हार्मोन्स की वजह से निकलते हैं, है ना। क्या बता सकते हैं कौन से हार्मोन्स की वजह से निकलते हैं, जैसे कि पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, है ना, और महिलाओं में क्या पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, है ना। तो जो पुरुषों में मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म का उत्पादन होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, इतना क्लियर है ना। और जो महिलाओं में होता है ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, है ना। यानी कि ऐसे समझ लो ये जो सेक्स करने की इच्छा होती है ये बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स, हार्मोन्स की ही वजह से
क्योंकि बचपन में तो भाई ऐसी कोई बचपन में तो नेगेटिविटी नहीं चलती थी ना, ये बाद में नेगेटिविटी क्यों चलती है? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित एज के बाद में हमारे शरीर में हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जब हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है एंड दैट सिचुएशन डिफरेंट टाइप की नेगेटिव थिंकिंग से आइडेंटिटी भाई दिमाग में आना शुरू होती है। कभी सुनो किसी को, कोई बच्चा मतलब ऐसा नहीं है, उसका अगर कुछ ऐसा है भी तो हम केवल मतलब बच्चे के अंदर एक कोई हार्मोन्स का रिलीज तो होता नहीं है, है ना, इस तरह टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि वो भी एक यूथ एज में ही ये शुरू होता है। यूथ एज बोले तो टीन एज से शुरू होना, जैसे महिलाओं की यूथ एज यौवन अवस्था का प्रारंभ होता है लगभग जो है 10-11 साल से शुरुआत हो जाता है, और पुरुषों में क्या होता है 11-12 साल से शुरुआत, मतलब पुरुषों में थोड़ा देर होता है महिलाओं में जल्दी हो जाता है। इसीलिए शादी की भी डेट फिक्स की गई है कि महिलाओं की शादी जो लीगली है 18 साल और पुरुषों का 21 साल, मतलब अंतर है ना डिफरेंस एज का। तो जब खैर ये सब बात अलग है, तो जैसे मैंने केवल समझाने के बताया, जैसे इंसानों में होता है सेम पौधों में होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं पादप हार्मोन्स बनना प्रारंभ हो जाते हैं, क्लियर है ना, और इन्हीं पादप हार्मोन्स के ही वजह से पौधों में नर जननांग या मादा जननांगों का विकास तो रहता है लेकिन परिपक्वनेस होता है, विकास के साथ में उसको एक मैच्योरिटी प्राप्त होती है ना भाई। ऐसे समझ लो इंसान से थोड़ा ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपको बताने में, की रिलेट करके बता रहे हैं। तो जैसे क्या होता है अभी बेबी को देख लो तो भाई वहां तो नर जननांग या मादा जननांग तो है ही ना, क्लियर है ना, लेकिन वहां क्या वो मैच्योर नहीं, क्लियर है वो क्या है मैच्योर नहीं। तो सेम यहाँ पादप हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं निषेचन के पहले, और ये क्या होते हैं इन्हीं के वजह से, पादप हार्मोन्स के ही वजह से क्या होते हैं नर जननांग या मादा जननांग का विकास होता है। ये निषेचन के पूर्व की घटना होता है। जब नर जननांग या मादा जननांग का विकास होता है तो नर जननांग यानी कि कुमंग, तो कुमंग में पुतंतु से होते हुए पराग कोष होता है, इसके पहले की क्लास आप जरूर देख लीजिएगा इसे बढ़िया समझ में आएगा, है ना, उस वाला चित्र मैंने बनाया था। तो पुतंतु से होते ऊपर पराग कोष में पराग कण रहता है ना, तो ये जो पराग कण का निर्माण हुआ ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हुआ, हार्मोन्स की ही वजह से हुआ, समझ पा रहे ना। अब ये पराग कण क्या होते हैं पुष्प के मादा भाग यानी कि जायांग, जायांग किससे बना होता है बोलो, वर्तिका है ना, अंडा से अंडाणु यानी बीजांड और इधर वर्तिकाग्र से। तो ये पराग कण, पराग कण क्या होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, समझ पा रहे हैं, जिसकी पहली क्लास होगी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसके पहली वाली क्लास मैं चित्र वाला देखो पुष्प वाला जो चित्र बना था उसमें क्या था पराग कण है ना वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब ये यही पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है परागण कहलाती है, है ना। तो निषेचन के पूर्व की कौन सी घटना होती है अगर आप एक शब्द में पूछना चाहें तो आप क्या बताओगे, तो आप कहते हैं ना परागण वाली घटना होती है। निषेचन के पूर्व की कौन सी घटनाएं होती है, तो निषेचन के पूर्व पौधों में पादप हार्मोन्स का विकास होता है जिसकी वजह से नर जननांग या मादा जननांग का विकास होता है ना, परिपक्वनेस प्राप्त होता है, और जो है जो कि नर जननांग यानी मादा जननांग, नर जननांग से परागण और इधर जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचने की यानी कि परागण वाली प्रक्रिया, नर जननांग से पराग कण निकले और इधर ये वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ये परागण वाली प्रक्रिया और हार्मोन्स का डेवलप होना तथा नर या मादा जननांग का विकास होना ये सब कैसे होते हैं निषेचन के पहले वाली घटना है। बोलो इतना समझ में आया है ना, तो ये निषेचन के पहले वाली घटना क्या है ये चीज समझ में आ सकते, क्लियर। अब क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, अब क्या होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है बताओ। हाँ, तो डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जब निषेचन होता है तो पौधों में किस तरह का निषेचन होता है, तो पौधों में द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसमें होती है पौधों में होती है। अब यहाँ प्रश्न आता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है,
सेंसेशन होता क्या, यानी कि दुई सेंसेशन होता क्या है, तो यहां से देखो, जब क्या होता है, नर जननांग से पुंकेसर, नर जननांग यानी कि नर जननांग की छोटी-छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, है ना। वहां से क्या होता है, नर युग्मक यानी बोले तो परागकण, जब पौधों में क्या होता है, नर युग्मक एक अंडकोशिका से संयोजित कर लेता है, नहीं समझे, पौधों में नर युग्मक जब मादा युग्मक से यानी अंडकोशिका से संलयित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो यही फ्यूजन वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अभी हटाओ दोहरा तेरा, है ना, उसको कुछ देर अभी निषेचन समझो आप, है ना। तो और यहाँ देखो, आवृत बीजी भ्रूण कोष में जो नर युग्मक हुई वो एन के फॉर्म में है ना, जो मादा युग्मक है वो भी एन के फॉर्म में, किट्टो एन के फॉर्म में आगुणित है ना, द्विगुणित तो है नहीं। तो जब नर युग्मक आगुणित नर युग्मक और आगुणित मादा युग्मक परस्पर एक दूसरे के साथ में संलयित होते हैं, यानी एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के पश्चात में द्विगुणित संरचना 2n, मिलने के पश्चात में क्या, एक द्विगुणित संरचना यानी 2n का निर्माण करते हैं, समझे, 2n का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन। अभी समझो, इस क्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन, या आप इस क्रिया को सिंपली आप बोल सकते हो निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन, या इस क्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है, ये 2n बन गया, 2n के साथ में n यानी कि नर युग्मक, जब नर युग्मक द्वितीय केंद्र 2n के साथ में मिलता है तो वहां से क्या बनता है, 3n बनता है। इसको ऐसे समझो, है ना, जैसे क्या होता है, नर युग्मक n और मादा युग्मक n परस्पर मिलकर क्या बनाता है, 2n। तो ये प्रक्रिया कहलाती है संयुग्मन कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। आप समझने के लिए निषेचन कह सकते हो, क्लियर है, संयुग्मन कहलाता है। अब क्या होता है, 2n में जब नर युग्मक मिलता है, फिर से देखो, जब 2n में यानी कि द्वितीयक केंद्रक में नर द्वितीयक केंद्रक के साथ में नर युग्मक संयोजित हो जाता है, जब द्वितीयक केंद्रक के साथ कौन संयोजित हो जाता है, नर युग्मक संयोजित हो जाता है, तो नर युग्मक मतलब n फिर वो, तो यहां से क्या बनता है, 3n बनता है, 3n बनता है, है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तिर संलयन या तिर समेकन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तिर संलयन, यानी कि आप कह सकते हो समझने के लिए तिर निषेचन भी कह सकते हो। अच्छा ये समझे, है ना। अब क्या होता है इसमें, ये चीज थोड़ा देखो, ये नई चीजें हैं, थोड़ा टिपिकल है, परेशान ना हो, अभी मैं लिखवा दूंगा तो समझ में आ जाएगी, है ना, अभी परेशान ना, ऊपर से जा रहे होंगे आप, इतना समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूँ। जब दोहरा निषेचन मतलब निषेचन क्या, जब नर युग्मक पौधों का नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर एक दूसरे के साथ में मिलने की क्रिया, संलयन होने की क्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन, और संयुग्मन के पश्चात में द्वितीय केंद्र 2n का निर्माण होता है, और जब द्वितीय केंद्र के साथ में नर युग्मक मिल जाता है तब 3n, तब क्या बनता है, 3n यानी तिर्गुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है, तिर्गुणित केंद्रक या तिर्गुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है, और इस क्रिया को तिर संलयन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तिर संलयन कहते हैं, या तिर समेकन कहते हैं, क्लियर ना, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, है ना। और इस प्रकार क्या है, दोनों नर युग्मक, है ना, निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि यहां इस तरह से निषेचन दो बार हो गया, निषेचन कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, एक बार भाई आगुणित आगुणित नर युग्मक, आगुणित नर युग्मक, आगुणित मादा युग्मक परस्पर एक दूसरे से मिलकर संयुग्मन वाली प्रक्रिया हुई, निषेचन वाली प्रक्रिया हुई नहीं, और दोबारा क्या हुआ, द्वितीयक केंद्र के साथ में आगुणित नर युग्मक परस्पर मिलकर क्या बनाया, तिर संलयन यानी कि तिर गुणित भ्रूण कोष का निर्माण हुआ,
तो इस प्रकार से यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो जाता है? दो बार हो जाता है, निषेचन दो बार हुआ है ना, एक तो यहाँ हुआ और एक, अरे भाई ये नहीं समझ पा रहे हो है ना, निषेचन कितनी बार हो गया? दो बार हो गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पर कौन सा निषेचन होता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा निषेचन होता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ है ना, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर से गई है, मुझे पूरा यकीन है। देखिए ये चीज यहां से समझिए, द्विनिषेचन क्या होता है। देखो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये क्या होता है? जब आगुणित नर युग्मक n है ना, आगुणित मादा युग्मक n, इतना समझे, बोलो, आगुणित नर युग्मक n, आगुणित मादा युग्मक n, जब परस्पर एक दूसरे के साथ में संलयित होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? संलयित तो होते हैं, तब ये बनाते हैं 2n, तब क्या बनाते हैं? 2n, यानी कि द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, द्विगुणित है ना, द्विगुणित जो है भ्रूण का निर्माण करते हैं, समझ पा रहे हैं ना, द्वितीयक केंद्रक या द्विगुणित भ्रूण, द्वितीयक केंद्रक या द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो बताओ यहां निषेचन वाली प्रक्रिया हुई कि नहीं? पौधों में इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है संयुग्मन कहा जाता है। इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। अब क्या होता है? अब ये तो हो गया पहला निषेचन, एक बार हुआ, अब दोबारा क्या होता है? ये द्विगुणित केंद्रक के साथ में, द्विगुणित केंद्रक के साथ में नर युग्मक फिर से मिलता है, द्विगुणित केंद्रक के साथ नर युग्मक है ना, नर युग्मक फिर से मिलता है, और नर युग्मक यन मिलकर ये परस्पर बनाता है 3n, यानी त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। क्या करता है? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। आप पूछ लिया जाए भ्रूण कोश और भ्रूण में अंतर क्या है? भ्रूण द्विगुणित तो होता है लेकिन भ्रूण कोश त्रिगुणित तो होता है, एक तो अंतर समझे, यहां समझो, भ्रूण द्विगुणित तो होता है लेकिन भ्रूण कोश क्या होता है? त्रिगुणित तो होता है, 3n होता है। अब इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह की प्रक्रिया को तिरसंलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तिरसंलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तिरसंलयन, तिरपत फ्यूजन कहते हैं। तो बताओ इस तरह से हम निषेचन दो बार हुआ कि नहीं? एक बार यहां हुआ और एक बार यहां हुआ। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पौधों में कौन सा निषेचन पाया जाता है? पौधों में दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया अच्छे से? चलो ठीक, ये चीज हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है, अगर हम पूछ लें कि बताओ यहां पर, जैसे आप थोड़ा इंसान से समझो है ना, इस चीज को कहां से समझो? थोड़ा इंसान से समझो। इंसान का मतलब क्या हुआ? जैसे मेल के अंदर होता है अस्पम, मेल के अंदर क्या होता है? अस्पम, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम। बताओ होता है कि नहीं? देखिए दोस्तों, मेल के अंदर क्या होता है? अस्पम, फीमेल के अंदर होता है ओवम। जब ये मिलते हैं तो आप कहते हो ये बनता है जायगोट, बनता है कि नहीं? ये क्या बनता है? जायगोट, यानी कि बोले तो युग्मनज। अगर हम पूछ ले बताओ पौधों में युग्मनज का काम कौन करता है? 2n करता है कि 3n करता है? तो अगर हम पूछ रहे हैं कि यहां पर देखो संयुग्मन के फलस्वरूप, ये संयुग्मन वाली प्रक्रिया है ना, संयुग्मन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, इसको कहते हैं भ्रूण। संयुग्मन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है जो कि 2n होता है, लेकिन लेकिन अब लेकिन क्या? तिरसंलयन के फलस्वरूप, तिरसंलयन या तिरसंलयन, तिरसंलयन या तिर समीकरण कह सकते हैं,
तीर्षण लयन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण होता है, समझे? संयुग्मन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, और अब जान लो भ्रूण और ये भ्रूण कोश में एक जो है मतलब बिग रीजन डिफरेंस है ना, ये क्या होता है? अब बताओ भोजन, हम पूछ रहे भोजन किस रूप में उपस्थित रहता है, तो स्वाभाविक है भाई भोजन किस रूप में उपस्थित रहेगा, भ्रूण कोश के रूप में भोजन उपस्थित रहता है, भ्रूण कोश में भोजन संग्रहित रहता है। आप चना देखते हो, चना का छिलका जैसे निकालते हो जो येलो वाला पार्ट है, जो पीला पीला पार्ट है, वही भ्रूण कोश हम लोग तिर एन खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? तिर एन खाते हैं। लेकिन बात किया जाए मुर्गी का, मुर्गी का जो अंडा होता है वहां पर हम लोग दो एन खाते, वहां निषेचन हो रहा है, वहां क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। बोलो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, है ना, ये चीज है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? निषेचन के बाद की प्रक्रिया। तो बताओ भाई निषेचन के बाद में क्या होता है? बोलो भाई याद नहीं सर मैं, निषेचन के बाद क्या होता है? कहीं ना कहीं आगे चलकर जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, क्लियर है ना? निषेचन के बाद ही तो फल का निर्माण होता है, क्लियर है? तो ये तीन समझ में आया अच्छे से। चलिए पहले हेडिंग बना लीजिए, पहले हेडिंग बनाइए यहाँ निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचना। पहले हेडिंग बनाइए निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं। इसमें लिखिए पादपों में निषेचन से पूर्व, पादपों में निषेचन से पूर्व विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स का विकास होता है, पादपों में निषेचन से पूर्व विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स का विकास होता है, पादपों में निषेचन से पूर्व विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स का विकास होता है, विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स का विकास होता है जो जो या जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण नर जननांगों तथा मादा जननांगों जिसके कारण पौधे में नर जिसके कारण पुष्प में नर व मादा जननांगों का विकास होता है, जिसके कारण पुष्प में नर व मादा जननांगों का विकास होता है, जिसके कारण पुष्प में नर व मादा जननांगों का विकास होता है, नर व मादा जननांगों का विकास होता है। जो कि आगे चलकर परागण जैसी घटना को परागण घटना को प्रदर्शित करते हैं या परागण घटना को प्रस्तुत करते हैं। कुछ भी आप कह सकते हो। अब सोचो अगर नर जननांग या मादा जननांग नहीं रहेगा तो परागण वाली घटना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, स्वाभाविक है। और निषेचन के पहले अगर परागण नहीं हुआ तो निषेचन का है? अगर परागण ही नहीं हुआ तो निषेचन किस बात का? परागण पता है किसे कहते हैं? पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र के तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती? परागण कहलाती। अभी से बताएंगे परागण। अभी ये समझ में आया पहला। अब दूसरा लिखिए दोहरा निषेचन। हेडिंग बनाइए नेक्स्ट दोहरा निषेचन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए दोहरा निषेचन, दुई निषेचन। इसमें लिखिए आवृत बीजी भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में लिखना आवृत बीजी भ्रूण कोश, कोश आवृत बीजी भ्रूण कोश में
कोशिका से संयोजन करके, अंड कोशिका से संयोजन करके आकृत बीजी भ्रूण कोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके, देखिए द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज युग्मनज मतलब वही जायगोट है ना, द्विगुणित युग्मनज ब्रैकेट में 2n, द्विगुणित युग्मनज ब्रैकेट में 2n का निर्माण करता है, 2n का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया संलयन सिंगैमी कहलाती है, और यह प्रक्रिया संलयन सिंगैमी कहलाती है, सॉरी यह प्रक्रिया संयुग्मन, सॉरी भाई थोड़ा सा, यह प्रक्रिया संयुग्मन सिंगैमी कहलाती है, यह प्रक्रिया संयुग्मन सिंगैमी कहलाती है, ब्रैकेट में सिंगैमी। अब लाइन चेंज करके तथा दूसरा नर युग्मक, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक ब्रैकेट में 2n के साथ मिलकर, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक ब्रैकेट में लिखना 2n के साथ मिलकर, 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूण कोष, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूण कोष ब्रैकेट में 3n का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूण कोष ब्रैकेट में 3n का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया तिर संलयन या तिर समेकन कहलाती है, और यह प्रक्रिया तिर संलयन या तिर समेकन कहलाती है, और यह प्रक्रिया तिर संलयन या तिर समेकन कहलाती है, और यह प्रक्रिया तिर संलयन या तिर समेकन कहलाती है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन दो बार हो जाता है, अर्थात निषेचन दो बार हो जाता है जिसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब लाइन चेंज करके पॉइंट बनाकर लिखेगा। अच्छा एक चीज और, दोहरा निषेचन कहते हैं इतना लिखे, फिर ये चीज ऐसे बना लो, ऐसे डिक्टो, ये चीज ऐसे बना लो है ना, एन ऐसे बना लो, नर युग्मक और ये अंड कोशिका, ये ऐसे बना लो, जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाया है उसी का ये समझ लो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने करवाया, ऐसे बना लो डिक्टो, ऐसे बनाना, इसको हटा दो अगर आप चाहो तो, इसको हटा दो, चलो ऐसे बनाओ फास्ट, अच्छा
अच्छा नर युग्मक एक अंडकोश का से पहले संयोजित होता है, फिर क्या बनाता है 2n, है ना। 2n का मतलब ये जो बनाता है वो क्या बनाता था, द्विगुणित युग्मनज। आप इसके स्थान पर ये लिख लेना ना, द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज, ये द्विगुणित युग्मनज बनाता है। अब फिर क्या होता है, ये नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है। नर युग्मक किसके साथ से संयोजित होता है, द्वितीय केंद्रक से होता है। तो यहाँ त्रिगुणित पूर्णकोश बनाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तिरसंग। इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। अच्छा स्टार पॉइंट बनाकर पॉइंट करके लिखना, इसे लिख लेना, हाँ यहाँ पॉइंट करके लिखना। संयुग्मन के फलस्वरूप क्या बन रहा है भाई, भ्रूण बन रहा है। देखो संयुग्मन के फलस्वरूप, संयुग्मन के फलस्वरूप, संयुग्मन सिनगैमी के फलस्वरूप बना युग्मनज, संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज